एंड स्टार्ट करते हैं मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव एमपीएस। तो मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव का मीनिंग क्या, यहाँ पे बहुत ध्यान से देखिएगा। मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव रेफर टू दैट रेशियो ऑफ चेंज इन सेविंग टू चेंज इन टोटल इनकम। क्या बोल रहा है कि मार्जिनल प्रोपेंसिटी किस चीज को रेफर कर रहा है यहाँ पे, कि आपकी सेविंग में कितने का चेंज आया, कब, जब आपकी टोटल इनकम में चेंज आया, यानी आपकी टोटल इनकम के बढ़ जाने से आपकी सेविंग्स में कितने का चेंज आया। जब फिर बोले डेल का मतलब बोला ना मैंने आपको, एमपीएस का फॉर्मूला ध्यान से देखिए, एमपीएस डेल एस डिवाइडेड बाय डेल वाई। डेल एस का मतलब मेरी सेविंग में चेंज आया या हमारी सेविंग में चेंज आया, कब चेंज आया, जब हमारी इनकम में सेव आया। तो इनकम के चेंज होने की वजह से सेविंग में जो चेंज आएगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव रेफर टू द चेंज इन सेविंग टू चेंज इन टोटल इनकम। और कैसे समझोगे, पहले आपकी इनकम कितनी थी, 100 रुपीज थी, आपको बोनस दे दिया, दिवाली मनानी है इंडिया में, जबरदस्त दिवाली की धूम होती है भाई, बोनस दिया कंपनी ने कि इस महीने 100 और दे दिए, जाओ इसे जहां जो करना है करो। अब अगर ये सेविंग गुलाबों को मिल जाए तो गुलाबों क्या करेगा, अपनी गर्लफ्रेंड के लिए झुमका ले आएगा। भैया कैसे लाएगा, अभी पढ़ के देखेंगे हम लोग। तो पहले फॉर्मूला देखिए कि डेल एस डिवाइडेड बाय डेल वाई, डेल का मतलब कितने का चेंज, सेविंग और आपकी इनकम दोनों में चेंज आ रहा है। वापस से आ जाइए यहाँ पे और देखिए हम लोगों ने कि क्या यहाँ हमारे फंक्शन कैसे वर्क कर रहे हैं। क्या है हमारे पास, सबसे पहले इनकम जीरो, कोई इनकम नहीं है, सेविंग डेस सेविंग की फॉर्म में है, यानी इनकम जीरो है, सेविंग माइनस 40 है। यहाँ पे पहली कंडीशन में कोई भी आपको सेविंग में, पहली कंडीशन जो हम देख रहे हैं जीरो, यानी डेल सेविंग कोई चेंज नहीं आया। क्यों नहीं आया, क्योंकि यहाँ पे डेल इनकम भी जीरो है, तो एमपीएस मस्ट बी जीरो, यहाँ पे जीरो हो जाएगा, आएगा ही कुछ नहीं, 100 रुपीज। यहाँ पे फॉर्मूला क्या बोल रहा है, डेल सेविंग डिवाइडेड बाय डेल इनकम, यानी इसमें और इसमें आपको डिवाइड करना है तो एमपीएस मिलेगा। 100 माइनस कितनी है सेविंग, अभी भी 20, डेल सेविंग चेंज आया, क्यों चेंज आया, यहाँ पे इन्होंने आपको 100 दिया था, इसको प्रैक्टिकल करके देखिएगा। इसको प्रैक्टिकल करेंगे और देखेंगे कि क्या है, एटलीस्ट पे यहाँ पे रब कर रही हूँ, तो आप में से पहले जिसको भी स्क्रीनशॉट लेना है एक बार पूरे का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पॉज करिए वीडियो, स्क्रीनशॉट लीजिए और मेरे साथ समझिए। बहुत ध्यान देंगे इस वाले टॉपिक पे, यहाँ 100 रुपीज की इनकम आपके पास पहले थी, अभी किसी ने आपको बोनस दिया, यानी डेल इनकम आपकी चेंज हो रही है, कितनी डेल इनकम हो रही है, 100 मोर देन दे दिया, बोनस के रूप में 100 और दे दिया, तो हमारे पास कितना हो गया, टोटल 200 आ गए यहाँ पे। जब 200 डेल इनकम हुआ तो आपकी मर्जी है ना यार, कि आप पूरा पैसा कंज्यूम करो, आप पूरा पैसा आगे सेव कर लो या फिर खर्च कर दो। तो मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेविंग की बात हो रही है, सारी जरूरतें बढ़ गई, इनकम लगातार बढ़ रही है, जब किसी व्यक्ति की इनकम ज्यादा बढ़ेगी तो वो अपनी सेविंग को ऑटोमेटिकली क्या करेगा, बढ़ा देगा। मैंने इसको पहले आप लोग को समझा रखा है कि जब कोई बहुत कम कमाता है और उसको कुछ पैसे ज्यादा मिलते हैं तो वो कंज्यूम ज्यादा करना चाहता है, लेकिन अमीर आदमी क्या करता है,
बहुत खा पी लिया, आराम से खा पी के खुशी खुशी जी रहा है, उसके पास जब 10 लाख रुपए एक्स्ट्रा आ रहा है तो वो 10 लाख को सेविंग में बढ़ा देता है कि 10 लाख आ रहे 8 लाख सेव कर देता, 2 ही लाख कंज्यूम करूंगा, नहीं करूंगा। इसको हम लोगों ने बोला है डेल वाई की वजह से किस में चेंज आया है, डेल एस में चेंज आया है। इसको आपको बोल रहा है मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव। आई थॉट एवरीवन क्लियर। अब देखिए पहली यूनिट आपको यहाँ पे माइनस डिस सेविंग थी, यहाँ पे 20 का डेल सेविंग आया। क्यों आया? क्योंकि 100 की इनकम मोर देन, तो 100 100 200 आ गए ना, तो डेल वाई डिवाइडेड बाई डेल सेविंग आपके पास क्या आया 0.20। दूसरा देखिए क्यों ये सारे के सारे assumption equals है, अभी ये भी समझाऊंगी कि ये क्यों बराबर आ रहे। सेकंड फेज में 200 अर्निंग थी आपकी, आपकी इनकम 200 थी, जीरो आपकी सेविंग थी, यहाँ पे डेल सेविंग कितना 200। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 100 मोर देन बोनस वाला आ गया, तो बोनस वाला आ गया तो फिर से हमने जब इनको इनको डिवाइड किया तो वापस सेव एमपीएस 0.20। थर्ड फेज में भी सेम चला और 300 आपकी इनकम 20 का सेव कर रहे थे, लेकिन जैसे ही यहाँ पे 100 मोर देन इनकम हुई हमने सेविंग क्या की बढ़ा दी, 20 मोर सेव कर दिया, फिर से आपके पास एमपीएस कितना 0.20। लास्ट वन देखेंगे 400 अर्निंग इनकम थी, सेविंग कितनी थी 40, डेल सेविंग फिर से 20 बढ़ा लिया, 100 का वापस और 100 आ जाने की वजह से हमने अपनी डेल सेविंग को अजम्पशन लिया है कि 20 बढ़ा दिया, तो एमपीएस आपका कॉन्स्टेंट है और आप इनको इनको जब भी डिवाइड करेंगे आपका एमपीएस सेम टू सेम इक्वल रहेगा। बहुत अच्छे से करना है आप लोग को। और अब मेरे साथ ग्राफ पे आ जाइए कि ग्राफ कैसे समझना है और कैसे करना है। और एक चीज कि मेरा थ्रोट सपोर्ट नहीं कर रहा, बार बार खांसी आ रही है क्योंकि दिल्ली के अंदर इस समय बहुत पॉल्यूशन है, यहाँ दीपावली के बाद हैवी पॉल्यूशन हो जाता है जिससे मुझे बार बार खांसी आ रही है, तो थोड़ा प्लीज आप लोग भी कोऑपरेट करेंगे और जुड़ जाइए फटाफट। देखिए फिर से सेम ग्राफ है, हमने जीरो से एक्स आने में क्या दिखाया, इनकम को दिखाया जीरो से एक्स फेज में, ओके। और इस पॉइंट को अभी मैंने आप लोगों को बताया था कि यहाँ पे हमने ये जीरो इनकम है फिर भी हम जो है कुछ सेविंग नहीं कर रहे, इसके नीचे क्या था, ये डेस सेविंग का पार्ट था, गेटिंग सेविंग जैसे जैसे बढ़ी, यहाँ तक हमने क्या दिया, यहाँ तक सेविंग थी, अब डेस सेविंग को दिखा रहे कि हमारी सेविंग बढ़ गई। क्यों बढ़ी? क्योंकि हमारी इनकम भी बढ़ गई, तो इनकम लगातार बढ़ी, पहले ये पॉइंट था, और जैसे जैसे हमारी इनकम बढ़ी हमारा एमपीएस भी चेंज हुआ, तो डेल एस को हमने किससे डिनोट कर दिया, यहाँ पे सेकंड लाइन में हमने अपने डेल को दिखाया है, ओके। डेल वाई आपकी इनकम में चेंज आने की वजह से आपके सेविंग्स में भी चेंज आ रहा है, इसी को एमपीएस इक्वल्स टू डेल एस डिवाइडेड बाय डेल वाई से नोट किया गया। यहाँ पे आप सोच रहे होंगे मैम वाई वन और वाई टू क्या है, तो पहले हमारी इनकम कम थी, अभी इनकम जैसे जैसे, पहले इनकम ये वाली थी लेकिन जैसे ही डेल इनकम हमने यहाँ पे ये डेल इनकम दिखाई कि सेकेंड फेज में हमारी डेल इनकम इतनी बढ़ी, इसकी वजह से डेल इनकम की वजह से हमारी सेविंग भी चेंज हुई है, इसको बोला मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव। और आई होप कि ये क्लियर हुआ होगा। इसकी कुछ और रूल्स जो अभी हम लोग देख रहे हैं, लगातार करते रहिए इसको, अगर कहीं कोई डाउट है तो वीडियो को बार बार आप लोग बैक करिए, ध्यान से देखिए, एक बार में लेक्चर नहीं समझ आता दो बार कोशिश करेंगे, छोड़ना नहीं है बिल्कुल भी। Yes, देखिए यहाँ पे आपके पास क्या बोल रहा है कि पूरा एमपीएस पढ़ने के बाद यहाँ बहुत इम्पोर्टेंट चीज लिखी है मैंने, इसको ध्यान दीजिए कि एंटायर एडिशनल इनकम इज कंज्यूम, तो डेल सेव में अगर आपने पूरा का पूरा कंज्यूम कर लिया, जितना इनकम जितना कमाया सब खा गया, तो डेल
सेविंग में कोई चेंज नहीं आया, जीरो हो गया, और देन जब इनकम आपने आपकी इनकम जो थी आपने अपनी सेविंग्स घटा दी, तो यहाँ पे एमपीएस मस्ट भी जीरो। क्यों जीरो? कि जितना बोनस का पैसा मिला था, बोल रहा है कि पूरा बोनस गुलाबों ने क्या किया, अभी एग्जांपल ले रही थी ना गुलाबों की गर्लफ्रेंड, अब उसको झुमका चाहिए था, गुलाबों को 100 रुपया दिया गया कि ले भाई दिवाली का बोनस है, तू जो मर्जी खा ले। अब गुलाबो क्या करेगा, अपनी गर्लफ्रेंड को झुमका दिलाएगा, तो झुमका दिलाएगा तो उसकी सेविंग क्या हुई, जीरो हुई ना। तो उसको डेल तो दिया गया, यानी उसको इनकम तो मिली, उसकी सेविंग बढ़नी चाहिए थी, लेकिन वो क्यों नहीं बढ़ी, क्योंकि गर्लफ्रेंड का खर्चा भी तो है यार, गर्लफ्रेंड चली जाएगी तो दोबारा कहाँ से जुटेगा। तो इस चक्कर में वो पहुंच गया उसके लिए, झुमका करेगा और उसकी सेविंग इस महीने की फिर से जीरो। तो एमपीएस मस्ट बी जीरो। इन नॉर्मल सिचुएशन में क्या वैल्यू ऑफ एमपीएस वैल्यूज बिटवीन जीरो एंड वन। अगर सारी चीजें गर्लफ्रेंड नहीं है, देखो विशाल बाबू जैसा सीरियस लड़का है, गर्लफ्रेंड एक बार चली गई तो दोबारा जिंदगी को बनाना ही नहीं है, तो वो क्या करेगा, दिल लगा के पढ़ाई करेगा, तो उसका तो कुछ नहीं, उसने अगर कमाया नहीं है तो सेविंग में नहीं की है, और उसका एमपीएस उसकी वजह से जीरो भी हो सकता है और वन भी हो सकता है। तो यहाँ पे ये यूनिट्स आपको कंफर्म करती हैं कि आपका एमपीएस जीरो हो सकता है, तो हाँ हो सकता है पहली कंडीशन, और जैसे भी चेक करेंगे तो एमपीएस आपको डिवाइड करके देखिए, इसको डिवाइड करें, यहाँ पे वन ही आएगा, करके देख लेते हैं एक बारी आप सबके लिए, एक बारी करके देख इसको, देखिए मेरे साथ यहाँ पे हमारे पास कितना है 100, तो 100 डिवाइडेड बाय 20 इक्वल्स टू कितना 1 हुआ ना। तो ऐसे ही आपको सब पे करना है 20 डिवाइडेड बाय 100, क्या 100 दिस वन, 20 डिवाइडेड बाय 100 नेक्स्ट वन, 20 डिवाइडेड बाय 100 इक्वल्स टू कितना आ रहा है हमारे पास 1 ही आ रहा है, इक्वल्स टू 1 आ रहा है। तो इस तरीके से भी आप लोग इन चीजों को बहुत आराम से कर सकते हैं यहाँ पे, कि मार्जिनल प्रोपेंसिटी आपके पास या तो जीरो हो सकता है, तो पहली यूनिट में मार्जिनल प्रोपेंसिटी मस्ट भी जीरो दिखाया है, और दूसरा कह रहा है ये 1 भी हो सकता है। तो इट्स ऑल ओवर दिस लेक्चर एंड आई होप एवरीथिंग इज अ वेरी क्लियर। आप अपना बस बेस्ट दीजिए प्लीज, 100 चाहिए मेरे को मेरे स्टूडेंट से, मैं डे वन से आपसे 100 मांग रही हूँ, और 100 के लिए आपको भी वर्क करना होगा और मेरे को भी करना होगा। तो शेयर सब्सक्राइब एंड लाइक, और जुड़े रहिए इसके अगले वीडियो के लिए मेरे साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग एवरीवन।